साथियों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस कोरोना काल के जो द्वितीय दौर है, द्वितीय दौर की सबसे जुड़ी प्रॉब्लम है वो है ऑक्सीजन की। इस ऑक्सीजन की समस्या से हम कैसे अपने आप को निजात दिलाए, इसके लिए एक्यूप्रेशर में एक महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा है। उस बिंदुओं को हम लोग उसका प्रयोग करेंगे, उपचार करेंगे, उपचार करके इस समस्या से लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं इन बिंदुओं के बारे में। एक्यूप्रेशर सूक्ष्म बिंदुओं पे उपचार देना है। तो साथियों अकॉर्डिंग टू PCM हम लोग चर्चा करेंगे लंग्स। लंग्स मेरिडियन की बात करते हैं। लंग्स मेरिडियन हमारे ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास का जो मार्ग है वो हमारे नासिका से लेकर के लंग्स तक प्रवेश जाती है। तो साथियों इसी लंग्स मेरिडियन के बारे में चर्चा करेंगे। जिस मेरिडियन को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लंग्स मेरिडियन है, जो कि हमारे लंग्स में प्राणवायु को पर्याप्त मात्रा में भरने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए, ये दोनों के लिए जिम्मेदार है। साथियों सबसे पहले मैं आपको ये चर्चा कर दूँ, हमारे भारतीय संस्कृति में हाथों पे एक लाल कलर का रस्सी धागा बांधने का पहले एक प्रचलन थी, जिसे हनुमान जी के ताबिज, जो कि हम लोग यहाँ पे हाथ के इस बाइसेप्स मसल के सेंटर पार्ट में रेड कलर के धागे से, रेशम से बांधते थे। मित्रों पता है आपको ये क्यों बांधते थे? इसकी दो ही वजह था। एक वजह है जो हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है, और पवन पुत्र था, पवन मीन्स होता है वायु, वायु मीन्स आपका है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में बॉडी में बढ़ाने की, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक बढ़ेगी तो बॉडी में सबसे सारे कार्य अधिक तरह से हो सकता है। तो कार्यों को अधिक तरह से सरलता से करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या बांधते थे, अपना लाल कलर के धागे बांधते थे। मित्रों हम उस धागे की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन बिंदुओं को हम लोग प्रतिदिन मसाज करें। वो बिंदु कौन कौन से साथियों, पहले सुन लीजिए आप। सबसे पहला नंबर बिंदु आपका है, उस बिंदु का नाम है, उसे कहते हैं LU4। LU4 कहाँ पे है? देखिए आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे हैं, LU4 हमारे ये बाइसेप्स मसल है, किडनी से 4-2-6 अंगुल ऊपर हम, अर्थात इस बाइसेप्स मसल के बिल्कुल सेंटर पार्ट में ये LU4 है। इसे आपको ऑक्सीजन पॉइंट कहते हैं। ये ऑक्सीजन पॉइंट है, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। ये समुद्र है ऑक्सीजन का। प्लीज नित्य प्रति आप इसे क्या करें, इसको हाथ से दबाएं, अपने हाथ में जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर का सहारा लेकर के इसको डेली प्रेशर करें। डेली दबाते रहें। कितनी बार दबाएं? सुबह, दोपहर, शाम दबाएं। जैसे आप वहाँ पॉइंट भी देख पा रहे हैं, केहनी से 6 अंगुल ऊपर आपको लेना है बाइसेप्स मसल पे, और सेंटर पार्ट भी लेना है, उसको दबाइए। और देखेंगे जब पहलवान व्यक्ति होता है, पहलवान व्यक्ति भी कुछ नहीं केवल एक काम नित्य प्रति करता है, वो अपने हाथ को यहाँ पे रख करके और क्या करता है, नित्य प्रति अपने हाथ में वो पुशिंग करता है। थोड़ा बार बार अपने पहलवान भी अपना पहलवानी दिखाता है। इसका मतलब होता है उसके शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उनको चाहिए होता है। तो साथियों आप कुछ ना करें, यदि आप कर सकते हैं तो इस तरह से कीजिए, अन्यथा आप इस बिंदुओं को हाथ से आप दबाव दीजिए। और यह दबाव देने के साथ एक काम और है, इस पे मैग्नेट और कलर भी लगा सकते हैं। कौन सा मैग्नेट लगाना है, कौन सा कलर लगाना है, ये मैं चर्चा करूँगा। दूसरा बिंदु बारे में चर्चा करने वाला हूँ वे है आपके लिए LU6। LU6 मतलब इसी कहनी से ही आप 6 अंगुल ऊपर ले जाएंगे, लेकिन बिल्कुल सेंटर में नहीं बल्कि अंगूठे की तरफ थोड़ा सा हटा करके आप इसको 4-2 करके 2 अंगुल, और उसके बाद नेक्स्ट वाले अंगुल उंगली पे ही आप इसे क्या करेंगे, आप 6 नंबर जो है LU6, ये महत्वपूर्ण बिंदु आती है। ये हमारे शरीर में जितने किसी प्रकार के इन्फेक्शन वगैरह है उन इन्फेक्शन वगैरह को समाप्त करने में, अर्थात विशेष तौर से ये लंग्स के इन्फेक्शन को समाप्त करने में जिम्मेदार है। इसे जिग्ली पॉइंट भी कहते हैं। इसके बाद इस बिंदु को भी आप प्रेस कीजिए। यहाँ जब प्रेस करेंगे 6 अंगुल के होने से, जस्ट इस पॉइंट से 6 अंगुल ऊपर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि इसे अपने उंगली से ही मापना है। आप उंगली से इस तरह से ही मापेंगे, और जो 6 अंगुल के बाद जो 7वें अंगुल होगा उसी अंगुल की बिंदु पे आप इसको मसाज देना है। केवल मसाज, आप सिर्फ मसाज कीजिए, दूसरे से मसाज कराने की आवश्यकता नहीं है। और नंबर तीसरा नंबर जो है वो है LU9। LU9 का है मतलब बिल्कुल कलाई पे है। ये कलाई पे है, जब देख पा रहे हैं आप, ये कलाई पे है जहाँ पे आपका अंगूठा है, अंगूठे जहाँ भी ये मूवमेंट कर पाते हैं LU9, इसे क्रॉप रिवीवर पॉइंट कहते हैं। क्रॉप रिवीवर का मतलब मृत्यु के मुंह में गए व्यक्ति को भी वापस लाया जा सकता है। मित्रों ये ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में शरीर बढ़ा देता है।
तो इस पॉइंट को भी या तो फिर हाथ से ऐसे पकड़ करके आप दबाओ दें, वो पॉइंट्स को आप इस डायग्राम के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, इसको प्रॉपर दबाते रहिए। इसको दबाने से क्या होगा, आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि व्यक्ति यदि मान ले आईसीयू में भी भर्ती है तो मित्रों मैं आपको विश्वास दे जाता हूँ कि उसकी ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ेगी। आप इस पॉइंट को दबाइए या इस पे कलर लगाइए। ये तो हो गया आपका, तीन अलग अलग बिंदुओं के बारे में चर्चा किया। आप इसको यदि आप एक तो तीनों बिंदुओं को क्या करना है, आपको दबाव देना है, तीनों बिंदुओं क्रमशः सीक्वेंस एक साथ ना दबाव दें। पहले आप इसको दबा लीजिए, कितने बार दबा सकते हैं, 10, 15, 20, 25 बार दबाइए, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको फायदा ही करेगा। क्रमशः तीनों बिंदुओं को दबाइए, ध्यान रखें खाली पेट रहें, ज़्यादा भरा पेट ना हो, क्योंकि ये सारा उपचार की पद्धति खाली पेट ही दिया जाता है। इसके बाद यदि इसमें आप मैग्नेट लगाना चाहते हैं, हमारे पास ब्योल मैग्नेट होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्योल मैग्नेट मैं दिखा रहा हूँ, ब्योल मैग्नेट होता है। यदि नहीं है तो घबराइएगा नहीं, जिनके पास है अवेलेबल है। ये मैग्नेट क्या करता है, डायरेक्ट शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है, कॉस्मिक एनर्जी को लेकर के भी हमारे अंदर ऊर्जा को इंक्रीज करता है, और वो कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो मित्रों ये मैग्नेट है LU4, जहाँ पे मैंने पॉइंट्स बताया है, इस पॉइंट्स पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें व्हाइट मैग्नेट लगाइए। व्हाइट मैग्नेट ऊपर की ओर होगा, दिखाई पड़ेगा, येलो मैग्नेट स्किन से टच होगा, तो आप यहाँ पे टोन कर दीजिए तो भी ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिक बिना दबाव दिए ऊपरता चला जाएगा। कौन सा मैग्नेट लगाना, अगर आप क्लासिकल पे लगाना है तो आपको बड़ा वाला ब्योल मैग्नेट लगाना चाहिए, मीडियम साइज का बड़ा वाला ब्योल होता है, उस ब्योल को लगाइए। वैसे तीनों बिंदुओं पे LU6 जो होता है, LU6 को सिडेशन देना पड़ेगा, और LU7 जो कलाई के पास है उसको टोनिफिकेशन, अर्थात इसमें भी व्हाइट मैग्नेट, ये LU6 है इसमें सिडेशन, अर्थात येलो मैग्नेट ऊपर रहेगा, व्हाइट मैग्नेट स्किन से टच होगा। इसी को मित्रों यदि हम आप दूसरा देखें तो इसको हम लोग सुजो ब्योल चार्ट में भी लगा सकते हैं। देखिए आप ये फोटोग्राफ में दिखा रहा हूँ आपको, इंडेक्स फिंगर के जिन बिंदुओं पे ऊपर जो होता है LU9 है, उसके बाद LU6 है, और उसके नीचे LU4 है, इन तीनों बिंदुओं पे आप इस तरह से कलर लगा सकते हैं या छोटा वाला ब्योल मैग्नेट दे सकते हैं। मित्रों मैं ये कहता हूँ कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मसाज कीजिए ना, आप केवल मसाज भी करेंगे तो मसाज करने से भी आपको फायदा मिलेगा। मित्रों ये ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इस बिंदुओं को आप खुद कीजिए, और आप अपने पहचान के जितने भी हैं उनके साथ इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उस व्यक्ति को भी इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ये जरूरी है हमारे लिए। मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि लोगों को ऑक्सीजन की कमी से होने वाली प्रॉब्लम से उन्हें मुक्ति मिल सके। नमस्कार।